सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रोजेमिनी चैनल को और बेल का बटन जरूर दबाइए ताकि ज्ञानवर्धक वीडियोस आपको जल्द से जल्द मिल पाए। दोस्तों आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रोजेमिनी द कॉस्मिक हिलर में। आज मैं बात करने वाला हूँ मीन राशि मीन लग्न वालों का जून 2019 का महीना कैसा जाने वाला है। लग्न भाव में कोई ग्रह नहीं है, लग्नेश जो है वो विराजमान है नवम भाव में वक्री अवस्था में, तो सेहत का ख्याल आपको रखना है। साथ ही साथ जैसे जैसे आप कर्म करेंगे भाग्य आपका साथ देता जाएगा। दूसरे भाव में शुक्र और चंद्रमा विराजमान है तो ऐसी स्थिति में आपकी वाणी में काफी मधुरता बनी हुई है। जो लोग सिंगिंग के प्रोफेशन में हैं वो इस महीने काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस देंगे। म्यूजिक प्रोडक्शन या फिर आर्ट के फील्ड में जिन लोगों को अपने वॉइस के ऊपर ज्यादा काम करना पड़ता है उन लोगों को इस महीने चांदी ही चांदी मिलने वाली है। तीसरे भाव में सूर्य और बुध का बुधादित्य योग बना हुआ है तो पराक्रम स्थान में अगर सूर्य बुध विराजमान है तो ऐसा व्यक्ति अपने पराक्रम से विश्व विजय कर सकता है। यानी कि आप अगर मेहनत करेंगे सही तरीके से अपने काम को अंजाम देंगे तो ये महीना बहुत ही बेहतरीन हो सकता है। चौथे भाव में राहु और मंगल विराजमान है तो सुख की जगह पर थोड़ी सी कमी आ सकती है। घर में किसी बात को लेकर या फिर कोई पुरानी बात को लेकर मन मुटाव हो सकता है, घर वालों के साथ किसी बात को लेकर बहस हो सकती है, इसलिए किसी भी तरह के आर्ग्यूमेंट से झगड़ों से बचिए। पंचम भाव में कोई ग्रह नहीं है, पंचमेश चंद्रमा जो है वो विराजमान है दूसरे घर में, तो जो लोग आर्टिस्ट हैं जो लोग सिंगिंग के प्रोफेशन में हैं उनको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। स्पेशली विद्यार्थीगण जो लोग एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी में हैं, जो लोग प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, किसी ऐसे चीज़ की तैयारी कर रहे हैं जो सेमिनार से रिलेटेड हो, जो मास कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो, उनको इस महीने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पे फोकस्ड रहेंगे और परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छे तरीके से देंगे। छठे भाव में कोई ग्रह नहीं है, षष्ठेश सूर्य जो है वो तीसरे भाव में विराजमान है, तो जैसा कि मैंने कहा आपके पराक्रम से आपके शत्रु थरथर कांपेंगे। यानी कि कामकाज की जगह पर आपका परफॉर्मेंस बेहतरीन रहने की वजह से आपके जितने भी विरोधी हैं उनकी स्थिति खराब होने वाली है। सप्तम भाव में कोई ग्रह नहीं है, सप्तमेश बुध जो है वो तीसरे भाव में विराजमान है, तो पत्नी से काफ़ी अच्छा सहयोग मिल सकता है। कोई ऐसा काम जो काफ़ी दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ था वो आपको मिल सकता है। जो लोग पार्टनरशिप के बिजनेस में हैं उन लोगों को कोई बेहतरीन ऑफर मिल सकता है, इसलिए बातचीत करके उस ऑफर को लेने की कोशिश कीजिए। अष्टम भाव में कोई ग्रह नहीं है, अष्टमेश शुक्र जो है वो दूसरे भाव में विराजमान है, तो ऐसी स्थिति में अचानक से धन में वृद्धि हो सकती है। यानी कि कोई परफॉर्मेंस आपका बेहतरीन होने की वजह से आपको अच्छा खासा प्राइज मिल सकता है या मोटी रकम पुरस्कार के तौर पर मिल सकता है। नवम भाव में गुरु विराजमान है, लग्नेश नवम भाव में विराजमान होने के कारण आप जितनी मेहनत करेंगे आपके साथ आपका भाग्य रहेगा। नवमेश मंगल जो है वो विराजमान है चौथे भाव में, तो घर वालों के साथ अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसको बातचीत के द्वारा हल करें। दशम भाव में केतु और शनि विराजमान है, कामकाज की जगह पर प्रेशर तो रहेगा लेकिन परफॉर्मेंस भी आपका अच्छा रहेगा। आपके शत्रु आपको हानि पहुंचाने के लिए बहुत सारे षड्यंत्र रच सकते हैं, इसलिए शत्रु को आंखों के सामने रखिए और अपने काम को किसी भी तरह से हैम्पर होने से बचाइए। एकादश भाव में कोई ग्रह नहीं है, एकादशेश दशम भाव में विराजमान है, तो इनकम का फ्लो किसी बाहरी व्यक्ति के कारण अटक सकता है या किसी ऐसे व्यक्ति से जो आपका कोई पुराना शत्रु हो वो आपके इनकम को किसी गलत कारणों के कारण रोक सकता है। द्वादश भाव में कोई ग्रह नहीं है, द्वादशेश दशम भाव में विराजमान है, तो ऐसी स्थिति में कामकाज की जगह पर आपके कुछ खर्चे बढ़ सकते हैं या फिर काम के सिलसिले में घर से काफ़ी दूर जाना पड़ सकता है, लेकिन काम करते वक्त आप हर छोटी छोटी चीज़ों का अच्छे से ख्याल रखिए ताकि गलती की कोई गुंजाइश ना रहे। ओवरऑल ये महीना काफ़ी अच्छा जाएगा। दो बातों का ख्याल रखना है, शत्रु को बिल्कुल आंखों के सामने रखना है और अपना परफॉर्मेंस पूरे फोकस के साथ देना है। तो दोस्तों ये था मीन राशि मीन लग्न वालों का जून 2019 का महीना। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।